दोस्तों एक मूवी देखी मैंने जिसका नाम है एक्सीलेटर और ये एक साइंस फिक्शन मूवी है। क्या कुछ खास है मूवी के अंदर वो मैं आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ, तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौड़, एक बार फिर से स्वागत है आपका इंटरमीडिएट में। तो दोस्तों मूवी की कहानी फोकस करती है एक ऐसे बंदे पे जो कि कार चोर होता है और उसको एक बंदा एक दिन एक ऐसी चीज देता है जिससे वो टेलीपोर्ट कर सकता है, यानी कि वो कहीं भी आ जा सकता है उस टेलीपोर्ट के माध्यम से। और वहीं उसके पीछे कुछ गवर्नमेंट के लॉक पड़े हुए हैं, यानी कि SY नाम का बंदा पड़ा हुआ है। अब उसके बाद कहानी में आगे क्या क्या होता है दोस्तों, ये आपको मूवी देखने के बाद पता चलेगा। दोस्तों मूवी के अंदर एक सीन है जो मुझे बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगा कि भाई चोर के पास टेलीपोर्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि भाई वो जगह के बारे में सोचता है बट वो डायरेक्ट ही उस जगह पे पहुंच जाता है और वहां से एक लड़की को उठा आता है और अपनी टीम में शामिल कर लेता है। वाह भाई, इस सीन का तो मुझे कुछ लॉजिक ही समझ में नहीं आता। ये बच्चों वाली चीज दिखाई गई है इस मूवी के अंदर। और दोस्तों ओवरऑल अगर मैं बात करूं इस मूवी की, तो इस मूवी की कहानी के अलावा इस मूवी के अंदर आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, यानी कि एक्टर्स की परफॉर्मेंस भी आपको पसंद नहीं आएगी, स्क्रीन प्ले भी आपको ठीक नहीं लगेगा, विजुअल इफेक्ट्स भी आपको पसंद नहीं आएंगे। ये मूवी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। इस मूवी के अंदर ओवरऑल मुझे प्रोडक्शन वर्क बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो मैं तो यही कहूंगा आपसे कि भाई इस मूवी की तरफ मत जाना, इस मूवी को देख के अपना टाइम बर्बाद मत कीजिएगा। और दोस्तों इस मूवी को मैं रेटिंग करूंगा 1.5 out of 10। तो आप जब ये मूवी देख लोगे मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके, और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।